हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं सनातन का स्वर्णिम काल। आपने रामानंद सागर जी की रामायण तो देखी ही होगी। उस समय जिस घर में टीवी होता था तो उस घर में भीड़ लग जाती थी। लोग बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ रामायण को देखने जाते थे। आज तक टीवी पर ना जाने कितने रामायण आए और गए, लेकिन रामानंद सागर के रामायण जैसे लोकप्रियता किसी को भी नहीं मिली, क्योंकि इस रामायण के कलाकारों ने अपने किरदार को इतने भक्ति श्रद्धा और आस्था के साथ निभाया कि सबके दिलों पर छाप छोड़ गए। वो किरदार इतने सच्चे लगते थे जैसे कि मानो त्रेता युग स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों। वो कलाकार इतने रियल लगते थे कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। आप सभी कलाकारों को तो जानते हैं, लेकिन क्या आप उनकी रियल लाइफ के बारे में या फिर उनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हैं? इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए जानते हैं। नंबर 5, अरविंद त्रिवेदी। रामानंद सागर के रामायण में अरविंद त्रिवेदी जी ने लंकापति रावण की भूमिका को बहुत ही जीवंत ढंग से और श्रद्धा पूर्वक निभाया था। रामायण सीरियल में चाहे वो शिव वंदना हो या माता सीता का हरण, या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से वाद संवाद हो या फिर युद्ध, इन सभी किरदारों को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। इन सभी को लेकर लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। लेकिन उनकी रियल लाइफ पत्नी की बात करें तो उनका नाम नलिनी त्रिवेदी है, जिनसे उन्होंने सन 1966 में विवाह किया था। अरविंद त्रिवेदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने रियल लाइफ में भी भगवान श्री राम और शिव जी के भक्त हैं, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। नंबर 4, सुनील लहरी। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का किरदार अभिनेता सुनील लहरी ने निभाया था, जिन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ भाई और सीता जी के एक महान देवर का किरदार निभाया था। इस किरदार के वजह से लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। लेकिन आदि बात करें इनकी रियल लाइफ पत्नी की तो उनका नाम राधा सेन है। नंबर 3, दारा सिंह। रामायण में भगवान श्री राम के सबसे बड़े और सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी का किरदार दारा सिंह ने निभाया था, जो श्री राम जी के आदेश पर माता सीता का पता लगाने लंका चले जाते हैं और रावण के सोने की लंका को आग लगा देते हैं। हनुमान जी के रोल को दारा सिंह जी ने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति पूर्वक निभाया, जिसके कारण लोग उन्हें ही हनुमान समझने लगे। अगर बात करें इनकी धर्म पत्नी की तो उनका नाम सुरजीत कौर रंधावा है। इन्होंने 1961 में अपना विवाह किया। इनके एक बेटे भी हैं, जिनका नाम बिंदु दारा सिंह है। नंबर 2, अरुण गोविल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का किरदार अरुण गोविल जी ने निभाया था। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श राजा, इस किरदार को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया था, जैसे कि मानो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कलयुग में अवतार ले लिए हों। आज तक कोई भी कलाकार भगवान श्री राम के किरदार को ऐसे नहीं निभा पाया। अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पार्टनर धर्म पत्नी की तो उनका नाम श्रीलेखा गोविल है और ये आज भी दोनों साथ हैं। इनकी पत्नी मराठी फिल्म अभिनेत्री हैं, उन्होंने कई मराठी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने सुपरस्टार धर्मेंद्र पाजी के साथ साथ और कई फिल्मों में काम किया हुआ है। इनके दो बच्चे हैं, बेटे का नाम अमल और बेटी का नाम सोनिया है। और आज का आलम ये है कि लोग आज भी उनमें भगवान श्री राम की छवि देखते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनसे मिलते हैं और उनके पैर छू लेते हैं। नंबर 1, दीपिका चिखिलिया। इन्होंने रामायण में माता सीता के रूप में एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माता, एक आदर्श बेटी और एक आदर्श बहू का किरदार निभाया था, जिसे उन्होंने इतने खूबसूरती से निभाया था कि लोग उन्हें ही माता सीता समझने लग गए और लोग जहां भी इन्हें देखते लोग इनके पैर छूने लगते। लेकिन यदि बात करें इनकी रियल लाइफ पार्टनर इनके पति की तो उनका नाम हेमंत टोपीवाला है, जिनसे काफी समय पहले विवाह किया था और वो आज भी दोनों एक साथ है। इनकी दो बेटियां हैं, जिनका नाम जूही और निधि है और इनके पति पेशे से एक बिजनेसमैन है।
जो कॉस्मेटिक का काम करते हैं, और दीपिका जी भी अपने पति के काम में पूरा सहयोग देती हैं। आपको सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर किसका लगा, कमेंट में जरूर बताना। जय श्री राम, हर हर महादेव।